आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सलूशन पाओ डाउनलोड नाउ। सो दिस क्वेश्चन इज अ सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट एट एनी इंस्टेंट आर दिस एंड दिस द इंडक्टेंस इज जीरो पॉइंट जीरो वन हैनरी कैलकुलेट द वैल्यू कैपेसिटेंस हमें एक ए सी सर्किट दे रखा है जिसमें रजिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर हमने कनेक्ट कर रखे हैं इंडक्टेंस की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी जीरो पॉइंट जीरो वन हैनरी और हमें किसी भी टाइम पे अप्लाइड वोल्टेज ई और सीरी सर्किट में जो करंट है किसी भी टाइम पे वो मुझे गिवन है इतना तो अब मुझे निकालना है क्या कि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी तो अगर मैं देखूँ गौर से करंट के एक्सप्रेशन को और मतलब तो वोल्टेज के एक्सप्रेशन को करंट के एक्सप्रेशन को तो जैसे मान लो करंट वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या है 141.4 फोर्टी वन पॉइंट फोर कॉस फाइव थाउजेंड टी माइनस टेन डिग्री ठीक है तो मान लो कि ये मेरे पास ज़ीरो लाइन है ये ज़ीरो डिग्री की मेरे पास लाइन है ठीक है अब माइनस टेन डिग्री मतलब ऐसा कुछ है ना ये तो मेरे पास ई वेक्टर हो गया या फिर ई का फेजर हो गया अब जो आई है वो क्या है माइनस थ्री सेवेंटी डिग्री तो अब क्या बोलते हैं थ्री डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ थ्री सेवेंटी डिग्री मतलब माइनस थ्री डिग्री वॉट माइनस थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस टेन डिग्री मतलब माइनस टेन डिग्री में से थ्री सिक्सटी डिग्री और माइनस कर दो तो मुझे माइनस थ्री सेवेंटी मिल जाएगा मतलब माइनस थ्री सेवेंटी की जगह मैं क्या भी लिख सकता हूँ माइनस टेन माइनस थ्री सिक्सटी तो यानी माइनस टेन तो मेरे पास ई पहले से ही है तो अगर मैं इसमें से माइनस थ्री सिक्सटी और कर दूँ तो मुझे आई का फेजर मिल जाएगा क्योंकि माइनस टेन माइनस थ्री सिक्सटी माइनस थ्री सेवेंटी तो अगर मैं इसमें से थ्री सिक्सटी और एंगल पीछे जाऊँ यहाँ से या फिर ये मैं इधर से माइनस थ्री सेवेंटी डिग्री पीछे जाऊँ तो दस डिग्री तो यहां पर मैं चला गया तो अब मेरे पास कितने डिग्री बचे थ्री सिक्सटी डिग्री तो मैं पूरा थ्री सिक्सटी डिग्री मतलब पूरा सर्कल पूरा सर्कल घूम के मैं वापस इधर ही आ जाऊँगा तो मतलब जो आई का मेरे पास फेजर है वो भी यही होगा मतलब ई और आई सेम फेज में है उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो है तो मुझे पता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स एक्सेल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर अब फाइव तो ज़ीरो है तो अब अगर टेन इनवर्स कुछ ज़ीरो है तो मतलब जो अंदर की चीज़ है ये xl माइनस एक्सी बाय आर ये भी जीरो होगा और xl एल माइनस एक्सी बाय आर कब जीरो होगा तब xl एल माइनस एक्सी जीरो होगा इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेल है वो एक्सी के इक्वल है अब xl कितना होता है ओमेगा इन टू एल एक्सी कितना होता है वन अपॉन ओमेगा सी तो ऐसे सी की वैल्यू कितनी आ गई वन डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर एल अब एल की वैल्यू मुझे गिवन है जीरो पॉइंट जीरो वन कितना है फाइव थाउजेंड तो अगर मैं इसको पुट करूँ वन डिवाइड बाई फाइव थाउजेंड मतलब फाइव इंटू टेन की पावर थ्री का स्क्वायर इंटू एल कितना है ज़ीरो पॉइंट जीरो वन मतलब वन डिवाइड बाई हंड्रेड वन डिवाइड बाई हंड्रेड मतलब हंड्रेड ऊपर लिख दो तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा ट्वेंटी हंड्रेड बाई ट्वेंटी फाइव यानी कि फोर माइक्रो फराड इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा फोर माइक्रो फ्रॉड होगी यहाँ पे टेन की पावर सिक्स है तो यानी कि सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा हो ही डाउनलोड करें डाउट नेट डाउट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर